दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे शिवलिंग के दर्शन कराने आया जिस पर लगातार 24 घंटे दूध की धारा बहती रहती है। हाँ जी, 24 घंटे दूध की धारा बहती रहती है। आज मैं आपको लेकर के आऊँ टपकेश्वर महादेव, जहाँ पर पहाड़ों में से निकल करके दूध की धारा बहती रहती है शिवलिंग पर। हाँ जी, मैं आपको एक ऐसे विशाल शिवलिंग के दर्शन कराऊंगा जिसके दर्शन करने मात्र से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है भक्तों की। हाँ जी, लगातार लाखों भक्तों का तांता लगा रहता है। आज मैं आपको द्रोणाचार्य की स्थली लेकर के आऊँ, जहाँ पर अश्वत्थामा का जन्म हुआ था, उस गुफा के दर्शन कराऊंगा जिस गुफा में अश्वत्थामा का जन्म हुआ था, और उस शिवलिंग के दर्शन कराऊंगा पहाड़ों में जाकर के जहां पर दूध की धारा शिवलिंग पर बहती रहती है। दोस्तों उससे पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम हर हर महादेव लिखते जाइएगा, और सत्य सनातन धर्म से अगर प्रेम है तो वीडियो को जितना हो सके शेयर अवश्य कीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन सपोर्ट करेगा अपने धर्म को, सोचिए। दोस्तों लगातार 24 घंटे दूध की धारा बहती रहती है जिस शिवलिंग पर। दोस्तों मैं आपको अंदर ले जा रहा हूँ, हाँ जी, गुफा के अंदर ले जा रहा हूँ। अश्वत्थामा की गुफा भी इसको बताया जाता है, जिसमें अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर लगातार दूध की धारा बहती रहती है, जल की धारा बहती रहती है शिवलिंग के ऊपर। दोस्तों मैं आपको काल भैरव के दर्शन करा रहा हूँ। गुफा में घुसने से पहले काल भैरव यहाँ पर विराजमान है, आप काल भैरव के दर्शन करिएगा। दोस्तों मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके बार बार निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो जितनी हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को पता लग सके कि सत्य सनातन धर्म में आज भी देख लीजिए कितनी ताकत है, जो शिवलिंग पर लगातार 24 घंटे दूध की धारा, जल की धारा बहती रहती है। मैं आपको दर्शन कराने के लिए पहुंच चुका हूं उस गुफा के अंदर, मैं आपको ले चुका हूं, हाँ जी, आपको ले आया हूं उस गुफा के अंदर, जिस गुफा में शिवलिंग विराजमान है, अश्वत्थामा की गुफा इसको बोला जाता है। दोस्तों इसी अश्वत्थामा की जन्म हुआ था इस गुफा के अंदर। मैं आपको कहानी बता देता हूं, जब अश्वत्थामा की मां के स्तनों में दूध नहीं आ रहा था तो द्रोणाचार्य ने शंकर भगवान से प्रार्थना की थी और यहाँ पर दूध की धारा बहने लगी थी, तब अश्वत्थामा को यहाँ पर दूध पिलाया गया था। हाँ जी, वो आपको शिवलिंग के दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको अच्छे से दर्शन कराऊंगा, ये वही शिवलिंग, हाँ जी मैं आपको बता दूं, ये वही शिवलिंग है जिसकी द्रोणाचार्य पूजा किया करते थे। मैं आपको बता दूं, ये स्वयं प्रकट शिवलिंग है। आज देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको देखिए दोस्तों, अच्छे से देखिए, ऊपर से दूध की धारा बह रही है, जल की धारा बह रही है, देख लीजिए दोस्तों। मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ शिवलिंग के, अद्भुत शिवलिंग के दर्शन है, जिसके दर्शन करने मात्र से ही मनोकामना पूरी हो जाती है। वीडियो को भर भर के शेयर कीजिएगा, अगर सत्य सनातन धर्म की ताकत देखनी है तो देख लीजिए कितनी अद्भुत ताकत है सत्य सनातन धर्म में। देखिए दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, दूध की धारा, जल की धारा इस शिवलिंग पर बहती रहती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ऊपर से पानी बह रहा है, जल बह रहा है, देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये थनों में से दूध की धारा और जल की धारा बह रही है, देखिए दोस्तों, शिवलिंग पर ही आकर के गिरती है। देखा ना सत्य सनातन धर्म की ताकत, देख लीजिए, मैं आपको और अच्छे से दर्शन कराता हूँ। ये देखिएगा, ये पांच जो जल है शिवलिंग पर गिर रहा है, ये देखिए, अद्भुत दर्शन है, दिव्य दर्शन है, भोलेनाथ का अद्भुत चमत्कार है, टपकेश्वर महादेव को बोला जाता है दोस्तों अद्भुत। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा दोस्तों, अगर आपने दर्शन किए हैं तो और भक्तों को भी दर्शन कराइए, अपने व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। अब मैं आप सभी से विदा चाहता हूं, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें दोस्तों, और अपने इष्ट मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।